हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनीसा ब्यूटीज़। आज मैं आप सबके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसका रेगुलर उपयोग से आपके चेहरे पर ग्लो आने लगेगा। और इसमें उपयोग किए गए इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। अब बिना देर के हुए मैं आपको इस फेस पैक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ। चलिए देखते हैं। इस फेस पैक का सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स कच्चा दूध है। मैंने यहाँ पे एक चम्मच कच्चा दूध लिया है, फिर उसमें मैं आधा चम्मच बेसन मिला रही हूँ। इस फेस पैक का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स ऑरेंज पील है, जिसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इस पैक में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ऑरेंज पील मिलाया है। अब इसमें हम एक चम्मच रोज़ वाटर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस फेस पैक का लास्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी। अब इसे हम एक पिंच हल्दी मिला के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और दोस्तों, ये फेस पैक तैयार हो गया चेहरे पे लगाने के लिए। इसे 15 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ दें, फिर ये अच्छी तरीके से जब सूख जाएगा इसे आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि इस फेस पैक के उपयोग करने से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। इस रेमेडी को यूज़ ज़रूर करिएगा और आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको यह रेमेडी कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।